एनडीसी ले लो या फिर फैक्ट्री वर्कर ले लो, लेकिन जो सेवा का जो काम है वो उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसके लिए महिला है। और उन महिलाओं को जो कि आज की सरकार हो या पिछली सरकार हो या वो पहले से जो चले आ रहे हैं जो नियम और कायदे हैं, उसमें भी जो सामाजिक विडम्बनाएं हैं उस प्रकार की जातिवाद, वो आज उसको बहुत ज्यादा उसको तोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है कि अभी उसके ऊपर किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि ये गाँवों में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, शहरों में थोड़ा कम मिलता है, दिल्ली जैसे शहर में और भी कम मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है कि हम लोग मजदूरों की बात करते हैं और उनके हक की और राइट्स की बात करते हैं, लेकिन यूनिटी की जब तक हमें एक क्षमता नहीं आएगी, एक ताकत नहीं आएगी, और वो यूनिटी एकता आएगी कि हम सब सबसे पहले इंसान है, हम सब इंसान है, हमारा खून एक सा है, हमारी आवाज एक सी है, हम सब मजदूर है। अगर हम इस पावर के साथ, इस शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि हमको बार बार कोई भी सरकार हो हमको तोड़ा जा रहा है, वो पहले से हम लोग टूटते हुए आ रहे हैं। तो हमको ये अपनी नीतियों को बदलते हुए अपने सामाजिक दायरों को हम लोग कैसे उठाएं, उस पर भी हम सभी को मिलकर काम करना है, क्योंकि हमारी भूख वहीं से शुरू हो जाती है कि भाई आप पहले तो आप एक महिला हैं, उससे भी बड़ी भूख कि अब आप उसको भी चार पांच भागों में बांट दिया कि अब आप दलित हैं, आप शूद्र हैं, आप बनिया हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो उससे भी फिर हमको एक मतलब उसको भी हमें देखना है, उसमें भी हमको एक यूनिटी लेकर आनी है, एक एकता की भावना लेकर आनी है, और फिर उसको समाज में एक यूनिटी के साथ कि भाई हम फिर कामगार हैं, और कामगार में भी हम लोग जो भविष्य के बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि एक कामगार जो है ना वही भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास आज के समय में इतना वो सोचता बहुत है, लेकिन जमीन स्तर पर उतना कर नहीं पा रहा है। तो वो जमीनी स्तर पे कर पाए उसके लिए हम सारे जितने भी यूनियन है उसके लिए हमको मेहनत करनी है। अभी दिल्ली से जितने भी वेंडर्स हैं जो रेडी पट्टी का काम करते हैं उनको दिल्ली से उजाड़ा जा रहा है, और जो सरकार है उसने इस कदर से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया है कि न्यायपालिका उसी की ही बात बोल रही है। हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं लेकिन हाईकोर्ट का फैसला क्या आ रहा है कि आप पीवीसी में चले जाओ, और पीवीसी जो कि अभी तक बनी ही नहीं है, जो चीज बनी ही नहीं है उसको उसके ऊपर थोपा जा रहा है, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? तो फिर काम किसको करना है? सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उसके बाद न्यायपालिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया, काम करने के लिए कौन बचा? काम हम लोगों को जमीनी स्तर पे करना है और करवाना है, उसके लिए भी हमें बहुत मजबूत होकर रहना पड़ेगा, बहुत यूनिटी के साथ रहना पड़ेगा, काम हम ही को करवाना है। निर्माण मजदूरी में हुआ, सरकार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है, दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, और केंद्र तो जो है वो सभी के सामने है। पूरा 6 महीने काम बंद रहा निर्माण मजदूरों का, अभी बहुत मुश्किल से वो शुरू हुआ है, उसमें भी 3 ही दिन काम चल रहा है हफ्ते के अंदर, और उसमें भी घंटे डिसाइड है कि 10 से 12 रजिस्ट्रेशन होगा और फिर 12 से 1:30 बजे तक रिमूवल होगा। और उसमें आप सोचिए जो हमारे जैसे यूनियन वहां पर जाकर बैठते हैं तब वो लोग जाकर किस प्रकार से, अगर 20 मजदूर आए हैं तो उसमें से दो के पेपर वो एक्सेप्ट करते हैं, वरना तो छोटी छोटी कमियों के ऊपर उसको निकाल देते हैं। तो वो भी क्योंकि हमको काम कराना है, हमको उनके पास ऊपर बैठना पड़ता है, तब जाके वो काम करते हैं। तो ये सब संगठन को भी ध्यान में रखना है कि हालांकि संगठन का काम ये नहीं है कि बैठ के वहां पे काम कराए या अपना काम कराए, संगठन का काम है कि वो मजदूरों का सभी लोगों का कैसे वहां पे काम कराए वो होना चाहिए, लेकिन सारे संगठन और मजदूरों को एक उस पर आना पड़ेगा। अब बहुत सारे जब हम लोग ये काम अभी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग काम तो हो ही नहीं रहा है तो वहां जाके क्या करें, वहां धक्के खाकर क्या करें, तो इस तरीके की बातें आती है। लेकिन जब तक धक्के नहीं खाएंगे, जब तक ठोकरे नहीं खाएंगे, जब तक यूनियन के ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि यूनियन जो सदस्य बनाते हैं उनके ऊपर भी जब तक ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मैंने इतने लोगों को अपने संगठन से जोड़ा है, इतने लोगों का मेरे प्रति मेरी जवाबदेही है कि मुझे उनके लिए काम करना है, तो वो भी चुपचाप बैठे रहेंगे, तो उनको भी फिर वो काम करने पे मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन उनका काम यही नहीं होगा।
भी नहीं होना चाहिए कि उनके साथ में जाके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ना होगा और उनको विश्वास दिलाना होगा।